नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो देख लेते हैं यहाँ पे भाई कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कल के लिए। और देखो जिस तरीके से भाई यहाँ पे कांग्रेस बोल रही है कि भाई आज से भी चीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो पूरे इंडिया में आंदोलन आंदोलन करने वाले हैं और चीजें थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिख रही है। और अगर आप देखोगे कि भाई इस पे क्या भाई है ना स्टांस रहना चाहिए, तो डेफिनेट बात है जांच वगैरह करने में क्या दिक्कत है भाई, है ना। अगर आप में भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है, तो जांच वगैरह होनी चाहिए। और अभी भाई कुछ न्यूज़ ये भी आ रही है ना, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पे भाई है ना, मेरे को नोटिफिकेशन मिला कि भाई तेल अवीव में कुछ भाई हमास की तरफ से 2 रॉकेट वगैरह फायर किए हुए हैं। अभी देखो चीजें थोड़ी कंफर्म नहीं है, पर थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो है ना थोड़े से खराब होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। प्लस इंडिया में भाई पहले से सेंटिमेंट थोड़ा सा अडानी और हिंडनबर्ग वाला जो मामला है उसकी वजह से थोड़ा सा पहले से खराब है, और अब ये आंदोलन वांदोलन होंगे तो ये सब चीजों से भाई है ना काफी नेगेटिविटी बढ़ती है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी नेगेटिव साइड में दिख रही है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं भाई निफ्टी के लिए कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अभी जो दिखाई दे रहा है ना कि भाई हो सकता है फ्लैट टू, अगर ये गैप डाउन वगैरह वाला कोई सीनेरियो हो, जैसे मान लो यहाँ कहीं पे मार्केट खुल रहा है, यहाँ कहीं पे फ्लैट खुल रहा है या थोड़ा नीचे खुल रहा है ना, तो यहाँ पे एक भाई अच्छा लेवल नजर आ रहा है भाई निफ्टी के अंदर। अगर ये भाई यहाँ 100 से ऊपर भैया ना 24,080 वगैरह के लेवल के ऊपर ऊपर कहीं भी खुलता है और फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक भाई हम रिस्क लेने वाले हैं 24,080, 24,080 का लेवल ब्रेक करने पे सीधा सीधा वहां से टारगेट जो होगा ना वो 24,000। देखो बिल्कुल 24,000 का लेवल को नहीं रखेंगे हम, यहाँ एम करेंगे कि भाई है ना 30-35 समवेयर अराउंड इस एरिया के अराउंड भाई है ना, यहाँ पे एक 50 पॉइंट भी अगर यहाँ पे मिल जाते हैं 24,020-30 यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट ले लेता है, तो 50 पॉइंट का यहाँ एक फर्स्ट एम रखेंगे हम भाई 24,000 तक। एग्जैक्ट 24,000 की आशा नहीं करनी है यहाँ, 40-50 पॉइंट मोमेंटम में जो मिलेगा इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद में सिर्फ वही अपना एम होगा भाई है ना। यहाँ पे सीधा ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे भाई 30 पे ही भाई एग्जिट कर देना है, पर ठीक है भाई यहाँ पे भाई लगभग मतलब 30 के अराउंड भाई अपने को एम रखना चाहिए कि भाई ना 30 वाले लेवल्स जो है, क्योंकि एग्जैक्ट 24,000 का लेवल आप समझते हो वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट मतलब यानी एक तरीके से लेते हैं लोग, क्योंकि 24,000 एक बड़ा राउंड लेवल हो गया। जैसे 50,000 का आज राउंड लेवल था, तो बैंक निफ्टी हल्का सा वहां सपोर्ट ली, ब्रेक डाउन पे हम लोगों ने एक बार रिस्क लिया, एक बार हमारा ऐसा लेट हुआ, दोबारा हमने रिस्क लिया, बढ़िया उसी ट्रेड में बढ़िया पैसा बना, क्योंकि वो लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि वहां पे भाई ट्रेड देना बनता ही बनता है भाई ना। तो ये भी ऐसा ही लेवल है कि यहाँ पे भाई एक बार जरूर सपोर्ट लेगा मार्केट, तो यहां से आता है तो एम ये रहेगा, पर बिल्कुल सीधा एम यहाँ नहीं रखना है भाई 40-50 पॉइंट जो मिल जा रहा है मतलब ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है भैया ना, उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन ले लगता है, एग्जिट कर दो भैया ना, यही भाई इतना ही प्रॉफिट आपको एम करना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे समवेयर अराउंड रहना, देखो मार्केट कल लगातार गिरा, आज फिर लगातार गिरेगा, तो ये सब लेवल पे देखो ये यहां से गिरता हुआ आ रहा है 460, तो 500 पॉइंट गिर गया, सेंटीमेंट डेफिनेटली नेगेटिव। अगर मान लो इतना कुछ नेगेटिव ग्लोबल वगैरह में नहीं दिख रहा है, ग्रीन कलर का ही डो जोन्स वगैरह दिख रहे हैं, थोड़ा सा भाई ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे भाई ना एक बाइंग रिस्क भी लिया जा सकता है ना। एक बार जैसे हमने आज निफ्टी बैंक के अंदर भी ये किया था, 15 ईएमए में लिया था हम लोगों ने अगर आपको पता हो, तो वो इसीलिए लिया था क्योंकि ये लेवल ऐसा है। तो यहाँ पे एक बार फर्स्ट टारगेट इस लेवल तक का, उसके बाद में अगर यहाँ पे कहीं पे बाइंग यहाँ पे दिखा रहा है मार्केट, तो बाइंग का रिस्क एक बार है ना, अगर मान लो कोई सेटअप बन रहा है एक बार लेके देखेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे भाई 60-70 पॉइंट का एक भाई ना 24,000 जैसे ही टच करेगा ना, पहला 1 मिनट पे कोई रिवर्सल साइन आता है ना, इसको वहीं पे लेंगे ना, थोड़ा वेट नहीं करेंगे ना, यहाँ पे एक रिस्क लेके देखेंगे, हो सकता है एक बढ़िया रिवर्सल में 30-40-50 पॉइंट का एक और ट्रेड यहाँ पे अपने को मिल सकता है। दोनों बहुत बेहतरीन ट्रेड हो सकता है, थोड़ा सा कंफर्म वाले ट्रेड जिसमें पैसा बनने का भाई है ना चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। फिर आ जाते हैं भाई तीसरे सिनेरियो में, यहाँ गया, यहाँ पुल बैक वाला ट्रेड भी आपने ले लिया, उसके बाद मान लो ये फर्दर इसको ब्रेक डाउन वगैरह कर रहा है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, जहां पे लास्ट टाइम पे सपोर्ट लिया था 65 वाले लेवल, तो भैया ना 24,000 से ब्रेक करता है, तो एक यहाँ पे स्कैल्प मारेंगे ये सारे लेवल तक के लिए, उसके बाद में ये लेवल भी निकल जा रहा है ना, तो फिर मेरे को टारगेट जो दिख रहे हैं ना वो 850 वगैरह के दिख रहे हैं, जो थोड़े से बड़े टारगेट हो जाते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट, इसको भी अगर हटा दे तो भाई ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के टारगेट यहाँ हो जाते हैं भाई ना, कम से कम 100 पॉइंट का इस लेवल के बाद में एक टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो निफ्टी में बड़ा डाउन साइड का भाई पॉसिबिलिटी भी बन रहा है, सिनेरियो भी है, तो ये तीनों सिनेरियो भैया ना तीनों टारगेट आपको ध्यान में रखने हैं। 24,000 पे एक बार बाइंग जरूर अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद में अल्टीमेट एम रहेगा हमारा भाई 850 के लेवल का, तो ये सारे टारगेट रहेंगे। गैप डाउन खुल जाए या फिर फ्लैट खुल के भाई नीचे जाने लगे, ये सारे लेवल ब्रेक करने पर ये सारे टारगेट रह सकते हैं। फिर दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि मान लो कुछ भाई अलग ही हो जाए भाई ना, अभी जो दिख रहा है भाई वो सारा चीज कुछ भी नजर नहीं आता है, जैसा कि भाई ना
हिंडनबर्ग के न्यूज के अगले दिन दिखा था भाई इस तरीके का कुछ है ना, तो मान लो यहाँ पे मान लो मार्केट हो जाता है गैप अप, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी कंसिडर करके चलनी चाहिए अपने को ना। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट को हमने 100% प्रिडिक्ट कर लिया है और अब कुछ नहीं होगा भाई, है ना। तो भाई इस एरिया में ना देखो ना बाइंग के लिए ना कुछ अच्छा है नहीं खास, है ना। अगर ये गैप अप वगैरह भी खुल रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या करो ना, यहाँ पे 5 EMA वगैरह बनने का चांस रहेगा, तो 5 EMA में रिस्क नहीं है। और ऊपर जाता है ये सारे एरिया के ऊपर जब तक नहीं निकलता 24,250 वगैरह, तब तक तो बाइंग मैं सोचूंगा नहीं भाई। यहाँ पे इस लेवल पे मैं बाइंग कर सकता हूँ 24,000 के लेवल पे, यहाँ पे मैं बाइंग में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ मैं 5 EMA ढूंढूंगा और मैं सेलिंग करूंगा। यहाँ पे कुछ नेगेटिव एम पैटर्न बन रहा है, मैं यहाँ पे भाई सेल करना पसंद करूंगा और डाउन साइड के भाई ये सारे लेवल्स के लिए एम करूंगा। तो गैप अप खुलता है तो भी थोड़ा नेगेटिव रहेंगे, अगर ये मान लो 250 के लेवल के ऊपर निकलने लगता है तो फिर भाई हम यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह ऊपर की तरफ के ढूंढ सकते हैं। बाकी उससे ज्यादा भाई यहाँ पे बाइंग के लिए भाई कुछ प्लान करना नहीं है अभी निफ्टी में। जब तक क्या है ना, ये देखो इस रेंज में भाई लगातार सेलिंग वगैरह आ रही है ना, ये सारे लेवल भाई ना 24,500 ही मान के चलो, इसके ऊपर ऊपर जब तक ये निकलता नहीं है ना, तब तक कोई खास बाइंग वाइंग है नहीं भाई, ना। कम से कम ये जो ट्रेंड बना रहा है भाई इसका 50% तो मिनिमम भाई ये यहाँ से चालू हो गया है ना, इसका भाई 50% तो इसको मिनिमम भाई यहाँ पे जाने दो। तो भाई 250 के ऊपर स्कैल्पिंग, कम से कम ये 300 300 के ऊपर जब ये सर्वाइव करने लगे ना, तभी हम सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ बाइंग की पॉसिबिलिटी है। ज्यादा बाइंग के लिए भाई यहाँ पे ध्यान देना नहीं है। तो ये तो है भाई निफ्टी 50 के लेवल्स। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है। उससे पहले कुछ जरूरी चीजों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो देखो आपको यहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे, कोर्सेज वगैरह प्लाना करना चाह रहे हो तो देखो बाई कोर्स का लिंक मिल जाएगा, प्रीमियम चैनल वगैरह ज्वाइन करना चाह रहे हो उसके लिए लिंक मिल जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड हम लोग हैं तो यहाँ पे आपको सीधा अगर भाई बाई सेल रिकमेंडेशन चाहिए, ज्यादा पूरा टाइम लाइव वगैरह नहीं वॉच कर सकते हो तो ये जाके प्लान कर सकते हो। अगर लाइव देख सकते हो तो डेफिनेट बात है फिर आप लाइव ही प्रेफर करो, क्योंकि वहां थोड़ा लर्निंग भी आपको साथ में मिलता है, तो लर्निंग पे फोकस रख सकते हो। कोर्सेज वगैरह प्लान कर सकते हो, बेसिक और एडवांस दोनों अपना कोर्स है वो जाके देख सकते हो। अगर भाई अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है धन फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री के अंदर भाई है ना EMA वाला कोर्स का एक्सेस मिल जाता है जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो धन या फायर्स में। प्लस इसके साथ ही साथ क्या है, अगर आप इसमें एक्टिवली ट्रेड करोगे ना तो आपको चांस मिलेगा भाई स्विंग ट्रेडिंग वाला कोर्स भी आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री साथ में मिल जाएगा, जो कि आगे आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाला है। तो जाके भाई ये प्लान आउट कर सकते हो। बाकी क्रिप्टो और फॉरेक्स प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो, उनके लिए भाई आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक भी भाई डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, उससे आपको भाई वहां पे आगे एक्सेस मिल जाएगा। बाकी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बैंक निफ्टी में भाई यहाँ पे बढ़िया सेलिंग आया 50,000 जो हम बात कर रहे थे ना। देखो ये जब कैंडल बना था ना यहाँ पे मैंने एक बाइंग अटेम्प्ट किया था, अब डेफिनेट बात है 50,000 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा था। क्या इतने बड़े राउंड लेवल पे भाई एक बार रिस्क लेना बनता है? भाई बनता ही बनता है। जैसे मैं 24,000 पे लेने वाला हूँ पर मैं थोड़ा अर्ली रिस्क लूंगा 24,000 पे, मैंने बोला 1 मिनट के कैंडल पे रिवर्सल लेके। और एक भाई क्योंकि भाई ना हो क्या रहा है 24,000 पे सपोर्ट लेगा ना उसी में मेरे को 30 40 पॉइंट मिल चुके होंगे तो फिर मेरे को इतना दिक्कत नहीं होगा। मैं ट्रेल कर लूंगा तो मेरे को भाई वहां पे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है छोटा मिले और बड़ा मिल जाए तो फिर भाई वो एक अलग भाई एडवांटेज हो जाएगा। तो वो दोनों चीजों को अपन ध्यान रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गलती अपन ने किया कि 15 EMA करके थोड़ा ब्रेकआउट का वेट किया, इतना करना नहीं है क्योंकि भाई लोग रिएक्ट करेंगे ही करेंगे एक बार के लिए। तो भाई 30 35 पॉइंट 25 टाइप का पॉइंट भाई यहाँ आराम से मिलने का चांसेस हैं। तो इस तरीके से देखेंगे। देखो यहाँ पे अपन ने प्लान किया था, उसके बाद में देखो ब्रेकडाउन अपन ने ये लिया था, यहाँ पे एक बढ़िया पैसा अपने को मिला था भाई, है ना। तो इस तरीके से दिख रहा है मार्केट, देखो क्या है जा रहा है। तो ये जो ऐसा ऐसा कैंडल बना रहा है ना, ये इस तरीके का पूरा विक वगैरह बना है, ये यहाँ से पूरा ऑल द वे रिवर्स हो जाना, तो इस वजह से क्या है कि ये काफी बड़ा रिवर्सल होता है। तो अगर आप छोटा एसएल रख रहे हो ना तो भाई वो काम कर नहीं रहा है भाई ना, लगातार मैं मार्केट में देख रहा हूँ थोड़ा बड़ा एसएल के साथ में काम करने के लिए। तो कल मैं आपको थोड़ा सा होल्डिंग वाले भाई है ना उस पर भी ध्यान रखेंगे अपने एस्पेक्ट के अंदर। और होल्डिंग वाले में जो मैंने आज टारगेट बताया ना तो वहां पे आप लेके बैठ सकते हो बड़ा भाई एसएल भाई है ना, सुबह 25 30 पॉइंट का यहाँ पे जो भी भाई एसएल है वो लेके, जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन होता है कल के दिन में बैंक निफ्टी, तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे यहाँ एसएल रख लेंगे और उसको एक ट्रेड को आप होल्ड भी कर सकते हो। स्कैल्पिंग अपन डेफिनेटली करेंगे क्योंकि यहाँ पे टारगेट क्या है ना बड़े है ना, ये 49,500 वगैरह ना, ये सारे 300 पॉइंट के टारगेट है ना आराम से आ जाएंगे। जिस तरीके की नेगेटिव न्यूज सरफेस हो रही है और जिस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे मार्केट, तो यहाँ पे बड़े टारगेट आना संभव है। तो भाई वहाँ 60 70 पॉइंट लेके निकल जाने में कोई खास समझदारी है नहीं, और मार्केट वॉलिटिलिटी भी भाई काफी दिखा रहा है।
इस तरीके की कैंडल में दोनों तरफ के लोगों को भाई एक बार पैसा दिखाता है, पर अगर आप बुक नहीं करोगे तुरंत वहीं पे वापस आ जाता है, 100 पॉइंट प्रीमियम में ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वहां पे भाई बड़ा दिक्कत हो जाती है भाई स्कैल्पिंग वालों को तो खासकर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे देखेंगे बैंक निफ्टी को। 49,000 जो 800 वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल अगर मान लो फ्लैट कहीं घुस जाता है, इसको ब्रेक डाउन करता है ना, पहला टारगेट होगा भाई है ना 49,662, सेकंड टारगेट होगा 49,500 है ना। तो ये दोनों टारगेट के लिए एम करेंगे। मान लो ये सीधा क्या करता है भाई, यहाँ पे गैप डाउन कहीं खुल जाता है, अब देखो इतना बड़ा नीचे जाके आया निफ्टी में भी ये वैलिड रहेगा, तो एक बार ये कोशिश करेगा पुल बैक देने की, पुल बैक देता है, उसके बाद में जब ये यू टर्न मार रहा होगा या यहाँ पे कहीं पे 5 EM बना रहा होगा, वहां से सेल ही करना है, पहला टारगेट यहाँ जहाँ खुलेगा वहां का, सेकेंड टारगेट 49,500। तो ये मिनिमम एम रहेगा भाई 500 का। 500 को ब्रेक करता है, 230 जो नेक्स्ट लेवल है वो टारगेट रह सकता है। तो नीचे की तरफ मेरे को काफी बढ़िया लेवल्स यहाँ पे बैंक निफ्टी में नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में कुछ भी पुल बैक का, जैसा क्योंकि 50,000 का लेवल है वो तोड़ चुका है, 49,500 पे जरूर डेफिनेटली हम ट्राई कर सकते हैं, पर निफ्टी प्रेफर करेंगे फिर अगर भाई पुल बैक बाइंग वगैरह के लिए देखेंगे तो निफ्टी पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखेंगे। तो इस तरीके से दिख रहा है भाई ये निफ्टी बैंक में, अगर मान लो किसी रीजन से ऊपर कहीं खुल जाता है, यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल ध्यान में रखेंगे ना, 50,000 के नीचे नीचे तो भाई कतई भाई है ना बाइंग का सोचना भी नहीं है। 50,000 के पास में अगर यहाँ पे कहीं पे खुल के जाए तो भाई 50,000 पे भाई 5 EM बनेगा, तो डेफिनेटली लेंगे। वहां एक रिस्क उठाने के चक्कर में भाई है ना यहाँ पे भी डेफिनेटली ध्यान रखना है। ये वाला एक लेवल है ना 50,130 वगैरह, इसके ऊपर निकलता है ना फिर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अपन है ना बाइंग वगैरह के लिए देखेंगे, पर वहां सिर्फ स्कैल्पिंग। जब तक भाई है ना ऑल द वे भाई ये क्रॉस नहीं करता भाई ये सारे सेलिंग जोन को, देखो यहाँ लगातार सेलिंग पे सेलिंग हो रही है, सेलिंग 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 सेलिंग, एक दिन बस ये वाला बाइंग आई है फिर अगले दिन सेलिंग आ गई, तो ये सारे एरिया के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई खास बाइंग देखेंगे नहीं। कम से कम 50% वाला जो एरिया है ना उससे पहले तो मैं स्कैल्पिंग भी देखना पसंद नहीं करूंगा भाई, ये जो एरिया निकल के आ रहा है, तो ये वाले एरिया के ऊपर छोटा मोटा स्कैल्पिंग, बाकी मेन स्कैल्पिंग भी करनी है तो 50,350 वगैरह वाले जो लेवल है ना इनको भाई कम से कम अपने को ध्यान में रखे चलना है। तो इस तरीके का प्लान रहेगा भाई है ना, थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ फोकस रहेगा। टारगेट है भाई 49,500 का आराम से आना चाहिए और 24,000 का लेवल भाई निफ्टी में आना चाहिए जिस तरीके का न्यूज वगैरह दिख रहा है। बाकी भाई देखते हैं भाई, लाइव ट्रेडिंग के अंदर आप ज्वाइन कर लेना सुबह भाई है ना 8:30 से और 3:30 बजे तक भाई हम डेली लाइव ही करते हैं बिल्कुल फ्री में भाई, वहां पे भाई है ना आपको चीजें अवेलेबल रहेगी, तो बिल्कुल आप लर्निंग के साथ अगर आपको सीखना तो लाइव को भाई कंटिन्यूस ज्वाइन करो। प्रीमियम ग्रुप डेफिनेटली हमारा है, पर है ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई क्या प्रीमियम ग्रुप में ही सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई ना, यहाँ पर भाई चीजें लाइव में आपको थोड़ा सा मेरे से पूछ सकते हो डाउट, क्या है भाई सपोर्ट पे क्या क्या है भाई, रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, क्या मेरे को बिहेवियर दिख रहा है, क्या साइकोलॉजी बन रही है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो ट्राई टू ज्वाइन लाइव है ना, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है फिर आप प्रीमियम ज्वाइन कर रहे हो वो समझ में आता है, क्योंकि शॉर्टकट एक तरीके से मैं प्रीमियम को एज अ भाई एक शॉर्टकट मेथड मानता हूँ। मेरे को लगता है कि आप थोड़ा सा नॉलेज से खुद को सीख के भाई है ना सीख के अगर करोगे ना तो पैसा बनाना आसान होगा, मजा भी आएगा काम में, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। लर्निंग के लिए बहुत सारे वीडियोज भी हैं इस चैनल पे, ठीक है आप लोग करते क्या हो भाई ना लर्निंग वीडियोस में बना देता हूँ, उनको देखोगे तभी तो समझ में आएगी चीजें भाई है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस की सीरीज है, ट्रेड लाइन की सीरीज है, यहाँ पे ऑप्शन चेन मैंने सिखाया हुआ है, मैंने कैसे भाई यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह पहचानते हैं, स्कैल्पिंग के ऊपर स्ट्रेटेजीज वगैरह, बहुत सारे लर्निंग वीडियोज और ये आते रहेंगे भाई ना, ये रुकने वाले नहीं है। तो आपको मेजर मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सीख के करें, तो लर्निंग पे ही ज्यादा फोकस आपको करना है। डेफिनेट बात है यार हमारा वो वाला वर्टिकल क्या भाई वहां से हमको पैसा आता है, डेफिनेटली आता है, क्या वो सर्विस हमको प्रोवाइड करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को रिक्वायर्ड होती है ना, पर अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है आप सीख सकते हो साथ में सीख के काम कर सकते हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा भाई है ना एज अ छोटा भाई कि भाई है ना सीख के करो और लाइव पे करो भाई है ना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी मिलता है कल सुबह 8:30 बजे लाइव ट्रेडिंग के अंदर, और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना ना, 1,000 लाइक एम रखेंगे, 500 कमेंट एम रखेंगे भैया ना, तो लाइक कर देना है और कमेंट कर देना, दोनों चीजें आपको कर देनी है। बाकी मिलते हैं कल सुबह।